हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मेडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर एंड गेम के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में, जिनका नाम है कैथरीन। वो इस मूवी में अभी हाल ही में कास्ट करी गई हैं, और देन अभी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के बाद और एवेंजर एंड गेम के बाद जो टाइम जंप होगा उसमें इनका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। यानी कि पॉसिबिलिटी जो अभी रूमर्स आ रही हैं, कैथरीन रोल प्ले कर सकती हैं हॉकआई की बेटी का। जी हाँ, क्योंकि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर एंड गेम के बीच में 4 साल का अंतर है, तो ये टाइम जंप दिखाना काफी बड़ी बात है। देन अगर ये हॉकआई की बेटी का रोल प्ले कर रही है तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हमें ये कैरेक्टर बिल्कुल यंग एवेंजर्स की तरह दर्शाता है। यानी कि फ्यूचर में एक मूवी कन्फर्म है, और उन्होंने अभी हाल ही में एवेंजर एंड गेम की ऑफिशियल लुक भी डाली है। यानी कि ये रेड कलर के बाल और देन उनकी आईज बिल्कुल हॉकआई पे गई है, तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उनका ये कैरेक्टर हॉकआई की बेटी का ही हो। और देन ये लुक भी काफी कमाल का लग रहा है, तो देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या होता है। तो कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर हल्के हाथ मारो या पैर मारो, और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।